ऑनेस्टी बताऊं तो मैं इसको पहले भी कहता था और आज भी कह रहा हूं सबके सामने, इसको देख के मुझे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी क्योंकि हमेशा बिल्कुल एक्टिवनेस क्लास में, चाहे कितने घंटे क्लास लग रही है लेकिन वो पहले शुरू में जैसे एक्टिवनेस के साथ बढ़ रही होती है वैसे लास्ट वाली क्लास में एक्टिवनेस के साथ बढ़ रही होती है, कहीं भी कोई समझौता नहीं। फिर मैं कैसे आऊंगा, मेरे को बता के जाते ना मैं ये बना देंगे तो फिर मैं आता कोई लालच होता तो आप लालच करते हो लालच करना बुरी बला है कर पढ़ाने के लालच करना बुरी बला है मतलब अच्छा रे इरिसी पे पानी को ने छाछा रे सल्फर पाउडर अच्छा रे केरा थे थकान नहीं आती थी बिल्कुल, पता नहीं लगता था, एहसास नहीं होता था कि आपने 8-8 घंटे क्लास ले लिया। सही बात, संडे वगैरह में तो कई बार अकेला लेता था ना 8-8 घंटे 9-9 घंटे। जानना चाहेंगे कि किसने आपको यहाँ के लिए बताया? यूट्यूब पे वीडियो देखिए जी सर, है ना सर, वहाँ से मोटिवेट होके हमने इनको यहाँ। अभी कुछ बोल रहा है क्या? हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेर जयपुर से, और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक पूरी की पूरी फैमिली, और इस फैमिली में दो बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, मतलब 12वीं क्लास में और जेट की तैयारी में थे, और दोनों ही बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और सारा का सारा परिवार कल शाम को फ़ोन आता है कि सर हम आ रहे हैं और रात को रुकेंगे, सुबह खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे, और फिर रातों आती क्लास में ही एक साफा लेके बोला साफा बंधवाएंगे। फिर मैंने कहा अभी मैं क्लास में हूँ, थोड़ी देर में 10-5 मिनट में फ्री होके अपन बात करते हैं, मिलते हैं, इस तरह से है। तो ये एक परिवार है और दो बेटे, एक बेटी और एक बेटा यहाँ पढ़ता है, और दोनों ने बहुत ईमानदारी से मेहनत किया, और बेटी 12th क्लास में, और इतनी जुझारू और इतनी जुनूनी कि अभी भी इसका जुनून ना मुझे पूरा दिमाग में एक पिक्चर की तरह चलता है, हर क्वेश्चन को पूरी ईमानदार, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं कोई भी चीज़ को लेके तब तक कोई समझौता नहीं, मतलब कोई भी लाइन है पढ़ाई है तब जब तक संतुष्ट नहीं हुई ना तब तक उसका उसको छोड़ना नहीं, इतना पागलपन और इतना जुनून। और सच्ची बताऊं तो मैं इसको पहले भी कहता था और आज भी कह रहा हूं सबके सामने, इसको देख के मुझे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी क्योंकि हमेशा बिल्कुल एक्टिवनेस क्लास में, चाहे कितने घंटे क्लास लग रही है लेकिन वो पहले शुरू में जैसे एक्टिवनेस के साथ पढ़ रही होती है वैसे लास्ट वाली क्लास में भी एक्टिवनेस के साथ पढ़ रही होती है, कहीं भी कोई समझौता नहीं, और मतलब हिम्मत रखना, पूरी ईमानदारी से काम करना, बहुत जुनून के साथ काम करना, क्लासेस लेना, और यूं कहें इनोसेंट, उतनी इनोसेंट, बहुत इनोसेंट, बहुत ही मासूमियत के साथ इसने पूरा साल यहाँ हॉस्टल में रही, और पढ़ाई के मामले में कोई समझौता नहीं, लेकिन पढ़ाई के मामले में तो पढ़ाई खराब, इसका मतलब आंसू निकलना शुरू, ये वाला पूरे साल का इसका बेटी का ये रहा, सेम केस बेटे का है। तो आज हम लोग इनसे पूरे परिवार से ही बातें करेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं सुबह सुबह, ये ना अभी आ गए और आके बड़े अच्छे अच्छे से बातें कर रहे हैं, बोला जी हम ये भाई है और ये हमारी बड़ी दीदी है, और फिर ये बड़े वाले भैया ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं, दीदी थोड़ी सी जो है ना वो टीवी देखती है, ऐसे मतलब मासूमियत के साथ बड़ी एक इनोसेंटली ये सारे बातें कर रहे थे। तो हम इन बच्चों से भी, पापा मम्मा से भी, इनके घर वालों से भी सबसे जानेंगे कि कैसा लगा इनको ये सारा, यहाँ का जो टाइम जो इन्होंने निकाला कैसा लगा, बाकी का सारा सिस्टम, और आए तब क्या सोच के आए थे, फिर एक अनजान जगह पे छोड़ना, बेटी को छोड़ना, उसके बाद में कैसे इनको कैसा लगा, ये सारी बातें पापा और इनसे भी जानेंगे। तो पहले तो मैं बेटी से ही जानूंगा, बेटी कैसा लग रहा है? 96% ऑलमोस्ट उसमें एग्जैक्ट कितने हैं, 94.60 मतलब 95% 12th के अंदर है, और 12th के साथ साथ ही जेट में भी आप 300 के नियर अबाउट स्कोर में है, मतलब इस साल का जो पेपर उसके हिसाब से बहुत गजब का किया है। और तो बेटी कैसा, जब आप यहाँ आए तो कैसे आए, तब तो खूब यूँ रोना सा आ रहा होगा, मतलब यूँ भाई कैसे कहा, एकदम से मम्मी पापा की याद आती होगी, ऐसे होता होगा ना? हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा याद आती थी, पर वो आप नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ मिल गए तो। अच्छा, तो मैं भी कभी कभी बुला बुला के लाड भाई बेटा ऐसे ना कभी याद है क्या? स्टार्टिंग में आई थी तब जरूर, मतलब बार बार ऐसे जानना मन लगा रहता था, सर के पास जाए, सर के पास 2 मिनट जाके बैठे बातें करें ना अच्छा लगता है। तो शुरू शुरू में ना एक बेटी है इसके साथ, और क्या नाम उसका? भाग्यश्री। तो भाग्यश्री भी, उसको भी घर की याद आती है, इसको भी थोड़ा थोड़ा यूँ होता है, होम सिकनेस होती है, हालांकि दोनों भाई बहन है, भाई बॉयज हॉस्टल में, बेटी जो है ना गर्ल्स हॉस्टल में, तो कभी कभी मैं इनको बुलाता और बात करता था, कभी कभी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये जो है ना हमेशा मतलब कभी भी नेगेटिविटी वर्ड है ही नहीं, मतलब कभी भी हताशा निराशा इस तरह के भाव कभी आए ही नहीं, हमेशा
बहुत ज़्यादा उत्साहित, जीवन को लेके, करियर को लेके, अपनी जिंदगी को लेके हमेशा अच्छा करने की चाह, और वही उमंग और जो चाह है और जो लगाव था वो इसको बेटी को आज कामयाब कर गया और बहुत ही सुपर परफॉर्म किया इसने। तो अब ट्वेल्थ के बारे में बेटा, जब ट्वेल्थ का रिजल्ट आया तो कब, कहाँ सुना, कैसे पता लगा, क्या रहा, कैसे क्या प्रतिक्रिया रही, घर वालों ने क्या कहा, पापा ने क्या कहा, मम्मा ने क्या कहा? मतलब रिजल्ट आया था उसके जस्ट अगले दिन ही सीयूटी का पेपर था, तो वो मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो पेपर के हिसाब से लगा था। फिर रिजल्ट आया तो मम्मी ने बताया कि तेरा रिजल्ट आ गया। ये अच्छा, उस समय पता नहीं लगा भाई रिजल्ट आ गया है ना, उस पे गौर नहीं किया, पता था कि भाई आज रिजल्ट आएगा, पर वो टाइमिंग पे इतना ध्यान नहीं दिया था, भाई वो पूरा फोकस वही था, सीयूटी का एग्जाम है कल वाला, और उस पे पूरा ध्यान था। फिर मम्मा ने बताया, उस समय घर पे ही थे? नहीं, हाँ मतलब घर पे ही थे, बाहर पेपर के लिए बाहर। अच्छा, वो सेंटर के लिए गए हुए थे उस समय ना, सेंटर के लिए यहाँ से जाके भीलवाड़ा सेंटर था, तो उस समय घर ही थे, मतलब भाई हाँ। सेकंड डे निकलना है भीलवाड़ा के लिए, तो मम्मा ने पहले बताया भाई ये इस तरह से रिजल्ट आ गया रही है ना। अच्छा, उसके बाद में फिर एग्जाम देने के बाद में क्या घर आए तब? घर आए तो मतलब सबने बोला। अच्छा, सोचा क्या था, मैं कितने परसेंट बढ़ा लूंगी या क्या कर लूंगी? तो सोचा तो यही था कि 90 अबव बना लूंगी, तो 90 अबव तो 91 भी होता है, 91 2 3। अच्छा, यू भी होगा भाई जिनमें जो जितने नंबर जोड़े थे उतने नहीं आए होंगे, जैसे भाई एग्रीकल्चर में मेरे 100 आने थे, कुछ नहीं हुआ, जैसे जिसमें सोचा कि भाई इसमें तो 100 प्लस 100 आएंगे, पर उसमें जैसे किसमें सोचा था 100 आएंगे, एग्रीकल्चर में सोचा, फिर आए कितने? 95 आगे। और एजी केमिस्ट्री में कितने जोड़े थे? एजी केमिस्ट्री में तो मैं 95 के आसपास जोड़े थे, 93 आगे। और उसमें बायोलॉजी में 99 ही जोड़े थे, 99 आगे, एक नंबर किसका कट गया फिर बायोलॉजी के अंदर? ऑप्शनल में एक क्वेश्चन गलत हो गया था ना, पहले से हो गया था वो, तो उसका मतलब बायो में तो एकदम एक्यूरेसी हुई है जितना, भाई एक गलत था तो एक ही नंबर कटा है, बाकी पूरे सही हो गए ना। और पहले थोड़ा सा परिवार के बारे में बताओ बेटा, घर पे कौन कौन है, इनमें से यहाँ बैठे वो कौन कौन आपके क्या क्या लगते हैं? ये भैया है, ये पापा है, हाँ? मम्मी है, ये अंकल के, वो मामा है, ये पापा है, भैया है, ये अंकल के बाकी। अच्छा, और ये बच्चे जो है ना, अभी ये कह रहे थे मतलब दीदी ना घर पे टीवी देखती है, तो झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, सही बता रहे हैं? हॉस्टल से निकले हैं तो पूरे साल वो नहीं देखा, इतनी थकान हो गई जो ना, अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं ना, नींद आ जाती है। कौन सा चैनल ज्यादा देखती है टीवी के ऊपर? सिर्फ मूवी देखती है, मूवी साउथ इंडिया की देखती है, नॉर्थ इंडिया की देखती है? साउथ की ज्यादा, साउथ की ज्यादा देखती है ना, घूसे मारने में बहुत दूर जाके। साउथ की आपने भी देखी कभी मूवी वगैरह? साउथ की मूवी आती है इसमें एक घूसा मारते तो बहुत दूर जाके गिरते हैं, देखिए कैसी लगती है। कितनी देर आप कितनी देर टीवी देख लेते हो? तब तक नींद नहीं आती है। टीवी देखे बिना नींद नहीं आती है? नहीं, तब तक नींद नहीं आती है, क्योंकि मतलब मैं टीवी तब तक देखती हूँ जब तक नींद ना आ जाए। हाँ। टीवी देखते तो नींद आ जाती होगी, फिर रात को देखते हैं, क्योंकि दीदी भी रात को देखती है 1 बजे तक। 1 बजे तक टीवी? 11 11 1 बजे तक सारे घर वाले सो जाते होंगे, 1 बजे तक देखती रहती है ना। तो टीवी दे होता है, मैं भी जब घर पे होता हूँ तो मुझे भी ये थोड़ा सा यूँ रहता है भाई, कोई अच्छी जो है ना मूवी जो मोटिवेशनल भी हो और जिसे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाए। और साउथ की मूवी मैं भी पसंद करता हूँ, बच्चों को कहता भी हूँ भाई मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं जरूर देखता हूँ, हालांकि इन दिनों में तो टाइम मिला नहीं, फिर उसके बाद माँ का डेथ हो गया तो वैसे बहुत ज़्यादा काम और वैसे रहा, और अब थोड़ा सा अब वापस क्लासेज चालू होगी तो देखने का टाइम अब है ही नहीं। और अब थोड़ा सा हाँ परिवार के बारे में बता रहे थे, मम्मा है, पापा, और कौन कौन घर पे? दादाजी है, दो अंकल और दो आंटी जी है। दो मतलब एक दादाजी है, दो अंकल और दो आंटी है जो यहाँ पर नहीं है। हाँ। बाकी सारे बाकी तो सारा परिवार है। हाँ, एक आधे छोटे छोटे बच्चे भी नहीं आए होंगे? एक छोटी वाली बच्ची नहीं आई, बस एक छोटी नहीं आई, उसको मिस कर रहे होंगे भाई, वो भी होती तो सारे पूरा परिवार आ जाता, चाचा चाची आ जाते सारे ना। अच्छा, इसके बाद में मतलब यहाँ का क्या बेटा एक्सपीरियंस रहा, कैसे कितना कैसा लगा यहाँ पर रहे तो, और कैसे बच्चियों के लिए कैसा अपील, तो ये बताओ। देखिए बच्चियों के लिए तो मतलब थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी है, तो मतलब थोड़ा ऐसे लगा, अच्छा लगा कि स्ट्रिक्टनेस या बुरा लगता है, या कभी-कभी बुरा कुछ ज्यादा ही है ना, थोड़ा सा ये हो रहा है। हाँ। दोनों बहन भाइयों को मिलने के लिए भी कितनी परमिशन लेनी पड़ रही है, गुस्सा आता होगा उस समय तो ना, कि सर ना भाई दोनों बहन भाइयों को भी बातें नहीं करने देते वो बेटा, एक जो है ना सिस्टम उसके हिसाब से बहुत अच्छा रहता है वो, आप तो चलो बहन भाई है लेकिन बाकी जो लोग हैं जिनके बहन भाई नहीं है तो उसके हिसाब से भी वैसे बहुत सही रहता हूँ है ना, और वैसे भी थोड़ा सा यूँ है ना सिस्टम से मिले दोनों बहन भाई बैठ के बात करें तो ज़्यादा मेरे हिसाब से तो बढ़िया रहता है। फिर आपको पता नहीं कैसा लगा हो, अच्छा हॉस्टल वगैरह में कैसा लगा, क्लासेस वगैरह में कैसा लगा, ज़्यादा कम्फर्टेबल सब, ज़्यादा कौन सी क्लास में आनंद आता था? मेरे वाले भी कौन सी, एग्रीकल्चर में, बायोलॉजी में, एजी केमिस्ट्री में, किस में? एजी बायो मस्त लगती थी ना, तभी 99 आ गए, क्यों उसमें
और यहाँ के क्लासेस वगैरह के बारे में क्या बेटा कैसा लगा? एक एक चीज को क्लियरली बताना और मतलब अगर नहीं आए तो वापस रिपीट करना और कुछ भी गीत गा के पढ़ लेना है ना, गीत तो पूरे याद ही हो गए। दो चार गीत सुना दे, कौन कौन से गीत याद है? कोई सेल में से या इनमें से कोई याद है क्या? छाछा जो होता है पाउडरी मिल्ड्यू, तो उसको ना सब कोई बोलते हैं वैसे ना, बहुत ज्यादा बार बार बोल बोल के वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, गाने भी गा लेते हैं, कोई ट्रिक्स बना लेते हैं। कोई ट्रिक भी याद है एक आधी किसी की? तो उसकी जैसे वो उसकी वैरायटी थी ना, किसकी? गोमा यशी बेल, उर्वशी उर्वशी पंत उर्वशी बेल है, सुजाता है ना, बेल की वैरायटी है। जैसे मतलब एकदम एंजॉय के साथ पढ़ना, सारे दिन ना हंसते रहना, बोलते रहना, खिलखिलाते रहना। कभी कभी जो है ना कंटिन्यूस 7-8 घंटे पढ़ लिए तो पता नहीं लगा भाई कब क्लासेस 8 घंटे की हो गई, 9 घंटे की हो गई। थक जाती होगी वैसे तो थोड़ी थोड़ी ना थक जाती है। छोटे बच्चे ही तो है, मैं कभी कभी मैं भाई बहुत छोटे 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 बच्चे ही हैं, फिर भी इतना संघर्ष करना, इतनी मेहनत करना, इतनी देर क्लास में बैठना और बहुत अच्छे से पढ़ना, उसको प्रॉपर जो है ना रिजल्ट देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब थोड़ा सा अभिनव से जानते हैं कि बेटा कैसा लगा यहाँ का माहौल, कैसे एंजॉय किया या परेशान हो गया, कैसे एंजॉय किया? सर एंजॉय किया, अच्छा लगा। कब साल निकल गया पता ही नहीं लगा है ना, कौन सी क्लास में ज्यादा मजा आता था, कौन सी में कम मजा आता था? आप वाली में सबसे ज्यादा। ये सारे ना आप वाली में, क्योंकि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ इसलिए आप वाली बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप एंजॉय करके पढ़ाते थे सर, उसमें हमारे को थकान नहीं आती थी बिल्कुल, पता नहीं लगता था, एहसास नहीं होता था कि आपने 8-8 घंटे क्लास ले लिया। सही बात है, संडे वगैरह में तो कई बार अकेला लेता था ना 8-8 घंटे 9-9 घंटे है ना, कई बार तो 5:30 हो जाते सुबह 8 बजे से लेकर 5:30 बजे, 12th में तो 6:30 से सुबह 6:30 से 6:30 हो गई थी, 12.5 घंटे जो गैप आता है उसमें, जो एग्जाम के बीच में गैप आता है ना उसमें बहुत क्लासे लगवाते हैं, जो क्योंकि हम लोग क्या है कि CET और ZE पे पूरा फोकस करते हैं, तो लास्ट का 1-1.5 महीना होता है उसी में 12th वाली पढ़ाते हैं बस, तो 1-1.5 महीने में 12th का पढ़ाना है, उसके बाद में एग्जाम के बीच में मान लो 5 दिन का गैप आएगा, 3 दिन में पूरे उसको सब्जेक्ट को वापस निकाल देना, लगभग पूरे को वापस निकाल देते, जो बचा हुआ टाइम था उसके अंदर फिर ये बच्चे 1-2 दिन रिवाइज कर लेते, और ऐसे करके बहुत ही एंजॉय किया पूरे साल। और अभिनव बेटा कैसे मतलब आया, तब क्या सोच के आया था और कैसा लगा यहाँ पे? एक तो माहौल तो मुझे लग रहा पूरा फैमिली जैसा ही लगता है, लगता नहीं भाई कहीं और आए। नहीं, जब आया था तब मेरे को यहाँ पे गुस्सा आ रहा था, यहाँ पे कैसे रहूंगा मैं, क्या करूंगा। फिर जब यहाँ पे 2 दिन रुका तो मैंने सोचा चलो रुक जाते हैं, फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पे अपने से नहीं होगा अपन घर पे चलते हैं, फिर बड़े सर के पास आया, बड़े सर ने मेरे को समझाया कि यहाँ पे 1-2 दिन और रुक तेरा मन लग जाएगा, तो फिर मैंने यहाँ पे वो 1-2 दिन और रुका और फिर मेरे को यहाँ पे मन लग गया, मेरे उधर के लड़के मिल गए थे, तो उस हिसाब से मैंने पूरा साल निकाल लिया, पता ही नहीं चला कब निकला। एक बार मन लगने के बाद तो बहुत मजा आता है, फिर तो पता ही नहीं चलता वास्तव में कि कैसे टाइम निकलता है और कैसे सारा हो जाता है। और घर पे जब घरवालों ने भेजा तो उस समय उनकी घरवालों की हालत थी, मतलब भाई कहाँ भेज रहे बच्चे को, बच्चे को मम्मा की क्या स्थिति थी? मम्मा ने कहा नहीं कि एक बार मैं देख के आऊँगी भाई ऐसे कहाँ ले जा रहे हो बच्चों को? मम्मा तो पापा और मम्मी रोने लग गए थे, यहाँ पे कैसे छोड़ गए, हर साल में कभी बाहर गया नहीं ना, इस हिसाब से पापा ने फिर कहा चलो देखते हैं क्या होता है। बेटा बाहर जो टाइम पे बच्चे बाहर निकल जाते हैं ना 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, वो तो बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं, क्योंकि घर पे रहा हुआ बच्चा तो केवल घर की दुनिया जानता है, वो ज़्यादा बाहर की चीज़ नहीं सीख पाता, लेकिन जो बच्चा हॉस्टल में रहता है और हॉस्टल में भी राजधानी जैसे हॉस्टल में रहता है जहाँ कंपटीशन हर चीज़ के लिए कितना, तो उसमें तो बहुत इंटेलिजेंसी आती है बच्चे में, बोलना चलना आगे बढ़ना कंपटीशन की भावना है ना, और अगले को देख के ये पता लग जाता है कि अगला क्या कहना चाहता है, मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, जो बच्चा हॉस्टल में रह गया उसको बोलने की जरूरत नहीं है भाई क्या कहना चाह रहा है अगला, उसके भाव से पता लग जाता है कि ये क्या कहेगा और वही बात कहता हो है ना। तो हॉस्टल में तो स्पेस बच्चे को जो है ना 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इन क्लासों में जो बच्चा हॉस्टल में चला गया और जो नहीं गया उसमें रात और दिन का फर्क हो जाता है, जो घर पे रह गया ना वो तो बिल्कुल सीधा सा भोला सा दुनियादारी नहीं समझता बिल्कुल ही, और जो बाहर निकल गया वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है, क्योंकि वो तो ये मान लो कि पूरी हर चीज़ में ही कंपटीशन हो जाता है उसके लिए, हर चीज़ में ही कंपटीशन, हर जगह ही जो है ना प्रतिस्पर्धा है, हर आप नाश्ते से लेके खाने से लेके पढ़ाई से लेके हर चीज़ में ही
लाइब्रेरी में बैठना है, बैठने की जगह रोकनी है क्लास के अंदर, या और आगे बैठना है, तो वो सारी चीज़ में कंपटीशन, और वहाँ से वो बच्चा एक योद्धा की तरह तैयार होता है, जो आने वाले जीवन में एक बहुत एक बड़े वॉरियर की तरह, योद्धा की तरह अपने जीवन को जीता है और ज़्यादा कामयाब होता है। मैंने मतलब एक मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव भी है, और यूँ मान लो कि एक रिसर्च भी है जिसमें ये बताया जाता है कि जो बच्चा हॉस्टल में रह रहा है और नॉन हॉस्टल में रह रहा है उसमें तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। हॉस्टल हर चीज़ सिखाता है, केवल पढ़ाई नहीं सिखाता, डिसिप्लिन सिखाता है। अगर एक अच्छा हॉस्टल है, सही केयर कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन सीखता है बच्चा, कंपटीशन की भावना उसके अंदर आती है, दुनियादारी सीखता है और एक योद्धा की तरह बन जाता है। देखिए, हर पिता अपने बच्चों की कामयाबी चाहता है। कामयाबी की डेफिनेशन अगर पिता के लिए बात करें या मम्मा के लिए बात करें, तो मम्मा और पिता की जो कामयाबी है वो बच्चों की कामयाबी है। कोई अगर अपने बच्चों को कामयाब कर दिया तो सफल पिता है, सफल माँ है। और एक पिता हमारे बीच ऐसे ही है जिनके दोनों बेटों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और पापा से हम जानना चाहेंगे कि किसने आपको यहाँ के लिए बताया, और एक तो प्रॉपरली कहाँ के रहने वाले, एग्जैक्टली अपना गांव कौन सा है, तहसील कौन सा है? सर, मेरा नाम मुरली मनोहर पारिक है, मेरा गांव गौली कोटड़ी तहसील में पड़ता है, गौली गाँव भीलवाड़ा जिले में। हाँ सर, अभी नया सापरा शिफ्ट हुआ है उसके अंदर आता है, जिला सापुरा हो गया जी सर। और यहाँ आने के लिए सर सबसे पहले तो ऑलरेडी जानते थे भाई जॉब मेरे एग्रीकल्चर का बड़ा हब है। उसके बाद सर एक हमारे फ्रेंड थे जितेंद्र नाथ जी, अच्छा, जिनके थ्रू हम आपसे मिले थे जी सर, जी सर। और फिर हमने आपका यहाँ का माहौल देखा, आपकी YouTube पे वीडियो देखे जी सर, है ना सर, वहाँ से मोटिवेट होके हमने इनको यहाँ। अच्छा, पहली बार आए तो कैसे यूं एकदम से फैसला कर लिया भाई? नहीं, या पहले विश्वास था भाई? ऑन द स्पॉट ही करते हैं सर, मैं तो जीवन में जो अच्छा फैसला होता है उसमें टाइम नहीं लगाते, उसको ऑन द स्पॉट करता हूं। मुझे याद है आप आए तब अपन शाम को घर पे वहाँ पे मिले थे, शाम के टाइम पर ना काफी देर बैठे बातें हुई थी जितेंद्र भाई साथ थे। इन सब का विचार नहीं था, लेकिन मैंने ऑन द स्पॉट फर्स्ट डे आया, सेकंड डे मैंने फीस जमा करा के एडमिट कर दिया, सही बात। जबकि इनको ने मेरे को बहुत भला बुरा कहा घरवालों ने, घरवालों ने तो क्या, इन्होंने बच्चों के विचार ऐसे थे कि हम आप कहा निकाल दिया, आप हमको दूर धकेल रहे हो और ऐसा कर रहे हो, दूर कर रहे हो और हम आपके लिए वो हो गए भारी बोझ बढ़ गए, ऐसे ना डायलॉग मार रहे होंगे, है ना। और आज वही दोनों उनको लग रहा है कि पापा ने कितना अच्छा फैसला किया, और साल बच गई नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो बहुत सारे के सारे ही है इनके साथ के बच्चे जो है ना जो वहां पर है आज, वो उनको फिर दोबारा तैयारी कोई दोबारा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि बारहवीं के बाद में ऐसी तैयारी नहीं होती है। बारहवीं के साथ अभी ये बच्ची बारहवीं में आई है, वो जेट में, तो बारहवीं के साथ इसने बहुत गजब का परफॉर्म किया है जेट में, बहुत ही जबरदस्त वाला। सीयूटी में भी शायद सही किया होगा, सीयूटी में क्या स्कोर आ रहा है, लगभग 400 प्लस आ रहे हैं ना, हाँ, तो सीयूटी में भी लगभग बहुत अच्छे चांसेस है। तो ये तभी संभव हुआ जब पापा ने फैसला किया, और पापा कह रहे हैं कि जब फैसला किया तो बच्चे कह रहे हैं, बोला कहाँ निकाल रहे हो और क्या कर रहे हो, और हम क्या ज्यादा हो गए क्या घर पे रहे ना, इस तरह से ये बोल रहे। तो अब कैसा लग रहा है, मैं जानना चाहूंगा पापा से कैसा? बेस्ट, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ कल शाम को बोला खाटू श्याम जी को चले आते हैं, सर से भी मिल जाते हैं ऐसे, है ना। आप भी छोटे छोटे बच्चे भी कुछ कहना चाहेंगे क्या, लगाओगे आपके भी? और ये सर भविष्य के स्टूडेंट है आपके? अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं देखने आए, फ्यूचर के स्टूडेंट, और आज ये इतनी इतनी उम्र में ना स्कूल देखने आ गए, इंस्टीट्यूट देखने आ गए कि कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। पहले ये छोटी सी गुड़िया है, पहले तो इसका नाम क्या है, नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अदिति पारिक है। और इनका छोटे छोटे बच्चों, आप भी आओ इधर, आओ आ जाओ बेटा, आ जाओ पहलवानों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा। अपना अपना नाम बताओ, है ना, नाम बताओ अपना अपना। मेरा नाम समीक्षा पारिक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड में। और आप कौन सी पढ़ते हो? फिफ्थ में। और आप? प्रभात। क्लास का नाम प्रभात होता है? ये खुद का नाम बता रहा है। अच्छा, आदर्श में। अच्छा, चलो घर पे जब दीदी को पहली बार यहाँ छोड़ा तो बेटा आपको कैसा लग रहा था, मतलब गुस्सा आ रहा होगा ना पापा पे, इन पे? हाँ। क्या बहुत गुस्सा आ रहा था? किस पे गुस्सा आ रहा था? ताऊ जी पे। तो सबसे ज्यादा पापा पे। हाँ, क्या गुस्सा आ रहा था? बोला तुम्हारी दीदी को ले गए, पापा भैया को ले गए, हमारा मन नहीं लग रहा यूं। फिर जी जी जैसे कभी कभी बीच में छुट्टी भी जाती थी, राखी भी जाती थी, तो फिर कैसे मतलब सारे घर वाले कैसे खुश हो जाते होंगे, बैठते होंगे ना? बहुत खुश हो जाते हैं। ये इसके लगा स्पीकर ना, वो तो बोल ही नहीं कुछ। सबसे ज्यादा तो दादाजी। सबसे दादाजी खुश होते हैं? हाँ। क्या रोने भी लग जाते हैं? किसको देख के? जी जी को और भैया को देख के आंसू आ जाते हैं दादा के और दादी के? दादी तो है ही नहीं। दादी है ही नहीं, दादाजी के आते हैं आंसू, है ना। और फिर घर पे क्या क्या मस्ती, अभी क्या क्या मस्तियाँ चल रही है घर पे? अभी तो बहुत चल रही है। क्या चल रही है? बहुत कुछ। मतलब क्या, टीवी कितने बजे तक देखते हो? टीवी तो थोड़ी देर। खाना कितने टाइम खाते हो अभी? तीन टाइम। तीन टाइम
सुबह कितने बजे खाते उठते ही? सुबह तो 9 या 8 बजे खाना खा लेते हो? हाँ। फिर सेकंड टाइम? सेकंड टाइम 3 टाइम से हो जाता है काम? हाँ। ही ज्यादा 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 खाते हो 3 टाइम से? क्या होता है सुबह इनका? 4 टाइम है सुबह उठते ही? नहीं हो सुबह उठते तो मुंह धोते और चाय पीते हैं। चाय पीते तो छोटे छोटे बच्चे भी? नहीं, दूध चाय मिक्स, दूध और चाय मिक्स करके पीते हो। फिर कुछ थोड़ी देर खेल लेते हैं, फिर बाद में ना खेलते क्या क्या हो? कुछ भी नहीं, काटती है कबड्डी कुश्ती? नहीं इसमें मैं नहीं आता। तो इसको आता है क्या? ये आप क्या खेलते हो फिर? ताश? ताश हाँ, ताश ही नहीं है। ताश नहीं तो फिर क्या खेलते? कुछ नहीं, काटती खेलते हैं, डॉल से काटती वो ऐसे चला चला के ऐसे नहीं, तो पेड़ से। अच्छा वो किसका खेल रहा हूँ? लंगड़ी? लंगड़ी खेलते फिर नहाते हैं डेली, नहाते छुट्टी के दिन भी? हाँ हाँ। फिर नहाते भी थोड़ी देर, पढ़ते हैं ये लोग, मैं नहीं पढ़ती हूँ। ये क्या पढ़ते हैं? कुछ क्या पता, अखबार पढ़ते? नहीं तो स्कूल की बात। स्कूल अभी छुट्टियां चल रही है? मैंने तो पढ़ लिया, की किताब ले आता हूं। मैंने तो पढ़ लिया, मैं था तो पढ़ लिया। पास में लड़की है उसकी बुक्स लेके आ जाती है जो। अच्छा उसमें पढ़ती है? मैं भी ले आती हूं अपनी, अब रख दी। ये पढ़ाई सही लगती है या यूं आराम घर पे मजा आता है? जब जीजी पढ़ते हैं। हां जीजी पढ़ती है तब मजा आता है। अच्छा चल ये बता, जीजी जब घर जाती थी ना उस समय, जैसे दीपावली पे गई, भैया गए, तो ये पढ़ते थे घर पे? हाँ। ये किताब ही नहीं उठाते थे, बोल मैं गारंटी दे रहा हूँ। नहीं पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, जीजी ज्यादा पढ़ती और भैया कम पढ़ता। हाँ छुट्टियों में भी? हाँ जी ज्यादा किताब ही नहीं, भैया कम पढ़ता है, हमेशा दुकान पे जाता रहता है, दुकान पे जाता रहता है, भैया कम पढ़ता है, भैया कम पढ़ते हैं, दीदी ज्यादा पढ़ती है। उसके बाद चलो खा लिया, 9 बजे खाना खा लिया, फिर उसके बाद और खेलते रहते हैं, टीवी देखते हैं। फिर दोपहर में 11-12 बजे खाना खा लिया? फिर नहीं तो 2 बजे खाते हैं। फिर 2 बजे खाते हो? फिर और खेलते रहते हैं, ये टीवी जीजी टीवी देख के उठ जाती है, फिर टीवी देख लेते हैं। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन जीजी टीवी देख रही होती है बस? हाँ। और छोटी बहन को भी तो रखना ही चाहिए, दिन होता है ना। हाँ। और फिर 11 बजे आती है जो 12-1-2 बजे तक देखती है। रात के 2 बजे तक? नहीं तो दिन में टीवी। हाँ। टीवी में कौन से चैनल ज्यादा देखती है? कौन क्या करते हो? मूवी सब ज्यादा देखती है, मूवी देखती है और डांस। डांस? हाँ। डांस करती है? नहीं गाने। हाँ। डांस ज्यादा करती है, करती है, देखती है, इतना भी नहीं करती है पर डांस भी करती है। दीदी हाँ। यहाँ तो कभी डांस किया ही नहीं तुमने कोई प्रोग्राम में? तो प्रोग्राम ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद? उसके बाद चलो ये बताओ, सही सही बताना, ये दीदी सही है या भैया सही है? दीदी। दीदी अभी थोड़ी देर पहले तो भैया बता रहे थे, एक ही मिनट में चेंज कर रहे हो। मैं ये बता रहा था भैया। आपको दीदी भी सही लगती है, भैया सही लगते हैं? हमारे से दीदी। और तुम्हें दीदी? हाँ। ये तो गलत हो गया काम। कैसे? इसको दीदी सही लगनी चाहिए उल्टी, ये छोटा है, छोटा है ना। हाँ। इसको तो भैया सही लगता है। इससे भी छोटी बहन है क्या? हाँ। इसी के इसको पता है कि सही। हाँ। मतलब बच्चियों ने यूनिटी कर रखी है भाई, बेटियां बेटियां, बेटी जिंदाबाद। हाँ। दीदी जिंदाबाद है ना। हाँ। और भैया भैया तो भैया जिंदाबाद। भैया तो बस ये एक ही है। फिर आपस में तुम्हारी लड़ाई वड़ाई भी हो जाती है? हाँ। किस किस की होती है? हम हाथ जमा करना। और छोटी भी सी लड़ती है, बिल्कुल छोटी सी। तो ज्यादा लड़ाई किसके बीच में होती है? फिर पिटाई भी करते हैं एक दूसरे की, घूसे वूसे मारते हैं। कौन ज्यादा मारती है? तू ज्यादा मारती है इसको? क्यों? बड़ी इसका मतलब बड़ी होने का फायदा उठा रही है, मतलब नाजायज फायदा उठा रही है। ये पीटती है? डांटती है नहीं। और भैया तो बिल्कुल हाथ में लगाता। अच्छा और कुछ कहता भी नहीं है? लाड करते भैया तो सिर्फ है ना? नहीं पिला के खिलाते हैं तो भी खिलाते हैं और छोटे वाले पापा जो है ना असली मम्मा पापा पट पट मारते रहते। अब बेटा ये जब ये आपसे पहले ना वीडियो घर पे पहुंच जाएगा और फिर चलो घर पे ये तो हो गई खाने की, 3 टाइम खाना हो गया, फिर टीवी हो गई है ना। अच्छा खाने में कौन सी चीज सबसे बढ़िया लगती है आपको? क्या कहते हैं, आलू के पराठे। आपको? मूली के पराठे। आपको? आलू के है ना। और सब्जी कौन सी बढ़िया लगती है? सब्जी तो मुझे
आलू की और भिंडी की। आलू की भिंडी के साथ बनती ही नहीं कभी? नहीं, फिर अलग अलग बनती है। अलग अलग। अच्छा अलग अलग, आलू की और भिंडी की। और आपको? आलू की भिंडी और करेले की। और भिंडी दोनों अलग अलग। और आपको? प्याज, प्याज की सब्जी। हाँ। अच्छा, मुझे सारी सब्जी पसंद है पर बैंगन की। मिठाई में कौन सी मिठाई पसंद है आपको? मिठाई में बेसन की चक्की, गुलाब जामुन, रसगुल्ला सारी पसंद है। शादी, किसी शादी में जाते हो सबसे ज्यादा कौन सी चीज खाते हो? किसी की शादी जिम में जाए तो सबसे ज्यादा क्या खाते हो? जिम में गए शादी में? हाँ। शादी में? हाँ। पानी पता से पानी पता से पानी पता से ऐसे पानी पता वहां भी गए भी पानी पता फ्री में मिलते हैं ना यहां पे वैसे देश भरते हैं तो वो तो सब जगह फ्री में मिलते हैं बेटा वो मतलब सॉरी सॉरी शादी में तो हर चीज फ्री में मिलती है तो फिर उस पानी पता से क्यों खा रहे? फिर काजू कतली खा रही थी। फेवरेट है मेरी काजू कतली। काजू कतली फेवरेट है। और रायता वायता भी पीते हो क्या? इतना भी नहीं, मुझे पिज्जा अच्छा लगता है और काजू कतली। काजू कतली का पिज्जा का नाम लो तो फर्स्ट तो यही है। क्या पिज्जा में जैसे खाने में फर्स्ट यही है, पिज्जा खाने में इसी है। अच्छा, और आपको सही नहीं लगता? हम दोनों पानी पता से। मैं पानी पता से फेवरेट है आपकी है? पर पापा लाते तो खिलाते ही नहीं है। खिलाते नहीं है पापा? लाते हैं घर पे पानी पता से? हां, तुम्हारे लिए पहले झोंक देनी पड़ती है, खाते हैं। झोंक देना तो पैसे, फिर काम कराना वो टिकट है, फिर खाना कुछ। कैसे मतलब समझा नहीं? पहले तो धोक लगाओ। धोक तो लगाना चाहिए सबको बड़ों को। अरे नहीं, खाने चीज कुछ भी खाने के लिए धोक लगानी पड़ती है। और भी अच्छी बात है, खाने के लिए धोक कौन लगाता है? सब लगाते हैं। नहीं लगाता, छोटे बच्चे तो लगाएंगे। भाई खाना है तो फिर वो तो ओबीडियंट तो होना ही चाहिए ना, आज्ञाकारी तो होना चाहिए। तो आज्ञाकारिता में आता है डोक लगाना। आ रही है नहीं आता? कितने बजे सोते हो फिर शाम को? शाम को, दिन में या रात को? दिन में भी सोते हो? दिन में तो सोने को कभी नींद नहीं आई। इसको कितने घंटे? मुझे आई है एक घंटे। मैं ननियाल सोती हूँ बस। ननियाल के आने के बाद नहीं सोते? ननियाल कहाँ? आपका पास में होगा उधर? शाहपुरा है। शाहपुरा है, शाहपुरा में रहती रहती। जिला हो गया। पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कौन करते हैं? इसके रेडी में रेडी। हैं, किस में पढ़ रहे हैं? इसको बताया नहीं। नानी दादा को बता। तो फिर आप भी पढ़ रहे हो और पापा भी पढ़ रहे हैं? फिर वो बैग वैग भी एक्सचेंज कर लेते होंगे, भाई आज आप ये ले जाओ और आज मैं ले जाऊं। नहीं, पापा आते नहीं, पापा ने रूम ले रखा है। नहीं पापा, हम लोग फोन करते थे पापा खाने के लिए लाते, जैसे मोमोज, बड़ा पाव, कुछ भी लेके आ जाते। चटपटी लाते हैं? मिठाई नहीं लाते? लाते हैं कभी-कभी, जो मंगाते वो ले आते। मोमोज भी खाते हो? घर पे क्या क्या बनाए खाते हो? घर पे बना के कटोरी, कटोरिया। कटोरिया क्या होती है? अरे सबसे ज्यादा ना मैं मेरे वो मतलब मेथी कचौरी टाइप से। अच्छा। इडली सांभर पर वो गोल कटोरी जैसी होती है। कचौरी बहुत कुछ डालता है। कचौरी बहुत कुछ। मां आऊंगा तो मेरे को क्या क्या बना खिलाओगे? बाबा मां आऊंगा तो मेरे को क्या क्या बना खिलाओगे? अब आओगे तब बना देंगे, मतलब अभी नहीं सोचना। उस समय बनाओगे? हाँ। फिर मैं कैसे आऊंगा? मेरे को बता के जाते ना भाई, ये बना देंगे तो फिर मैं आता कोई लालच होता कल तो। आप लालच करते हो? लालच करना बुरी बला है। कर पढ़ा नहीं है कि लालच करना बुरी बला है? मतलब खाने खाने का प्रलोभन मिल जाए ना भाई, हाँ ये चीज वहाँ मिलने वाले, तब तो मैं जाऊँ भी। बचेगा वो बना देगी। आप आना। शादियों में क्या क्या बनाते हैं आपके वहाँ? शादी में हमें क्या पता? हम जिम नहीं जाती? नहीं, हम तो बस खाने में ध्यान देते हैं। हम का सब है, तो खाते क्या वैसे पता तो होता भाई, ये चीज क्या है? गुलाब जामुन, बहुत सारी डिश होती है, हमें याद ही नहीं है। जैसे जो याद है, जैसे बारात आई तो बारात कितनी देर रुकती है वहाँ पर? चार पाँच क्या कहते हैं, 10-20 मिनट रुकती है बस। 10-20 मिनट तो आके उतरते हैं वहाँ पर। अपने लिए ही तो आई है। फिर वो बारात रुकती भी है क्या? हमारे जैसे पहले पुराने जमाने में ना, यहाँ शाम को बारात आती थी, फिर रात में रुकती थी, फिर सेकंड डे जाती थी, ऐसे थोड़ी होता वहाँ पर। अभी वहाँ पर अतवा चली जाती होगी ना? कुछ लोग रुकते हैं, बाकी चले जाते चले जाते ना अतवा। तो शादी में क्या क्या ये पता ही नहीं क्या क्या जिम क्या है? अलग अलग खाना होता है। बताओ, चलो आप बताओ क्या क्या बनता है। रसगुल्ला और नमकीन, नमकीन दाल पूरी, दाल पूरी और नमकीन सब्जी। और डीजे वीजे पे डांस भी करते हो शादी वादी बारात में? जाते हो? मेरी छोटी बहन है ना, वो उसको उसका हंसाने के लिए मेरी दीदी कहती है, कह दो कह दे कह दे नाते चलेंगे। और आप भी स्कूल वगैरह में डांस वांस करते हो? हाँ, कॉम्पिटिशन होता है, इनके मेरे स्कूल में होता ही नहीं कुछ।
नहीं होता स्कूल में होता है इसके स्कूल में नहीं। अलग अलग स्कूल है तुम्हारी? हाँ, ये कोटरीडी आदर्श में पढ़ती है, मैं गांव के लिए पढ़ती हूँ। मामा वही पढ़ाती है। आप मामा वही पढ़ाते हैं? इसके मामा वही पढ़ाते हैं, तो साथ ले जाते हैं। और आप कहाँ पढ़ते हो? इनके स्कूल में? इनके स्कूल में, इसके साथ, इनके साथ, है ना। तो सारे कंबाइंड रहते हैं ना, पूरे फैमिली तो पूरी है ना, सारे पूरा। तो कितने टोटल मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए? 15 के आसपास। तो 15 लोगों का खाना कौन बनाता है? मम्मी, आंटी जी। बाटर का क्या अलग अलग? भाई आज वो बनाएंगे, आज वो बनाएंगे, सुबह ये बनाएंगे, शाम को ये बनाएंगे, ऐसे या कोई बना लेता है ऐसे? कोई भी। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई बात जो बेटा कहना हो, कोई और कोई बात चल रही दिमाग में, और कुछ आपको कहना है कि इसमें ये कई दिन तक रहेगा बेटा, आप बड़े हो जाएंगे तो भी सुनेंगे, कोई कविता पोइम वगैरह आती हो या कुछ और बोलना हो? आज बोलना तो कुछ भी नहीं है। अब क्यों, क्या आता है? जीजी के बारे में। जीजी पहली बात की है ना, तब पढ़ती है ना, तब हमारा पूरा गुस्सा उस हम पे निकालती है। जब पढ़ती है तो गुस्सा हम पे निकालती है। गुस्सा काहे को आएगा पढ़ने टाइम? अरे कोई टेंशन नहीं आया तो फिर क्या करती है? आप पे गुस्सा निकालती है कैसे? तो दिमाग तो सटक जाता है ना। अच्छा, माजी सटक ली। हाँ। तो फिर जब फिर सटक गया तो क्या कर दिए? हम पे गुस्सा निकालती। कैसे? पीटती है? नहीं, डांटती। धमकाती है, डांटती है। और कुछ? चलो हाँ, ये तो हो गया एक दो। जब भी दीदी जो है ना पढ़ती है, उनको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो फिर पूरा गुस्सा ना हम पे निकालती है। और क्या करना है? और भैया, भैया के बारे में कहो, सबके बारे में एक एक लाइन कहो। चलो पहले तो दादाजी के बारे में बताओ। सबसे बड़ी मतलब यूं दीवार है दादाजी ना, कोई भी पापा वगैरह पीटने आते तो खड़े हो जाते हैं बीच में, हाथ लगा के दिखाओ कौन लगा रहा है ना। अच्छा, और लाड कितना करते दादाजी? बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा लाड कौन करते हैं आपके? सबसे ज्यादा दादाजी। तो दादाजी, दादाजी तो मतलब ये बिल्कुल ही दादाजी के बिना, दादाजी दूर होते ही खूब ही आंसू से आते होंगे आंखों में ना, खूब लाड करते हैं ना, बहुत अच्छे से रखते होंगे, खूब बातें करते होंगे, स्टोरी कहानियां भी सुनाते हैं कि बढ़िया बढ़िया कोई पुराने जमाने की सी। हाँ, हम जाते हैं ना तो उनसे पूछते हैं, छोड़ते हैं तो क्या करते हैं? फिर क्या बताते हैं? दीदी के बारे में बताऊं? उठा के ले गए। फिर वापस छोड़ गए होंगे? नहीं, फिर पंडित जी ने उनको रोटी दी, जीजी को छोड़ा, रोटी के बदले वापस छोड़ा हुआ तेरे। सबके बारे में बताना, पूरे सोच सोच के तैयार रखना। पहले दादाजी के बारे में बताते और मम्मा को भी मारते, दादाजी मना कर देते। दादाजी कहानी सुनाते हैं। एक कहानी बताओ छोटी सी जो दादाजी ने सुनाई। छोटी सी? दादाजी तो हमेशा बड़ी बड़ी सुनाते हैं। चल बड़ी सुना दे। बड़ी याद ही नहीं है, याद ही नहीं होती, याद करने की कोशिश भी करे तो। और ऐसे दादाजी कभी कभी दुकान पे जाते हैं तो हमारे को टॉफी लाते हैं हमेशा। सबसे ज्यादा तो छोटी तैयार रहती है, दादाजी आएंगे टॉफी लाएंगे। अच्छा, छोटे छोटे वाले दादाजी टॉफी दो, दादाजी टॉफी दो, ये लाते जब रोने लग जाते। चलो अब बड़े पापा के बारे में बताओ। बड़े पापा तो हमेशा खेत पे जाते हैं ना, तब बस जूस बना के पिलाते हैं। कहीं का? एक ऑरेंज की दुकान जहाँ पर वो काम करते हैं ना, ऑरेंज या मैंगो। और एक दिन तो ऐसा जूस पिलाते हमारा मन ही नहीं लगा, करेले के बादाम का, करेले के जैसे पिला दिया, करेले जैसा, बादाम का उल्टी आई। आम का आम का? चलो बड़े मामा के बारे में बताओ, मामा के बारे में। बड़े मामा? मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, हम खेत पे जाते तो हम नहाते हैं, हमारे से पाँव में भी नहलाते हैं, नहलाती है और शौक से खाते। डांटते नहीं कभी? नहीं, हमेशा लाड ही करते ना। हाँ, कभी डांटा भी नहीं है आज तक। अच्छा, जैसे मान लो आपकी जो मम्मा है और जो छोटे वाले हैं, उनमें अगर आपको यूं भाई सबसे
एक कोई सिलेक्ट करना तो किसको सिलेक्ट करोगे? इसमें सही सही बताना, लेकिन ये देखो वो सुनेंगे रिकॉर्डिंग करवा ले। दो जने हैं। कौन कौन? बड़ी मम्मी, तीन जने, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, दादाजी और दादाजी, ये बड़ी मम्मी, बड़े पापा। अब घर पे ना, अब घर पे जाना देखो, अब इन मम्मी वगैरह ना, मम्मी और पापा दादाजी के पास चले जाएंगे। हाँ, दादाजी के पीछे छूट। चलो अब पापा के बारे में बताओ। कौन से पापा? आपके पापा। मेरे पापा पर उनके मेरे को बहुत गुस्सा इनके पापा तो इनके पापा आ रहे हैं। हां चलो इनके पापा के बारे में बताओ। इनके पापा है ना, मुझे हमेशा मेरी गाल खींचते रहते हैं। सबसे ज्यादा नाम है मेरे पापा ने बना रखे हैं। क्या क्या बना रखे? मैं वो तो नहीं, वो तो हमारे नहीं, मैं नहीं बोल सकती। नहीं नहीं बता नहीं, तो अब ये आपके नाम सबको पता लग जाएंगे, स्कूल में पता लग जाएंगे। छवि के क्या क्या नाम बनाते हैं? मेरे भैया ने बहुत अच्छा नाम रख रखा है, ट्यूबलाइट। अब स्कूल में पता लगेगा देखना। और मेरे पापा ने कहा लॉर्ड सिंह। लॉर्ड सिंह मेरा नाम, मुझे मैं गदा मम्मी पापा ने गदा रख दिया गदा। और नान इसका नाम, वो लाड का नाम है, जीजी। जीजी तो मुझे कहती है चिपड़ी, सूखी लाडली और चिपड़। और मुझे कैसी ना। अब आपके पापा के बारे में बताओ। मेरे पापा के बारे में, इसको तो बहुत अच्छा नाम पड़ा। और जब भी छोटी बहन है। चलो अब जो है ना, आप इनके बारे में बताओ, दोनों के बारे में, इसके बारे में बताओ, इसके बारे में। दीदी के बारे में तो बताई दिया, भैया के बारे में बता दिया। ये मेरे से बहुत लड़ाई करती है और पूरे दिन कहती है कि है ना, मैं रेडी आएंगे तो वो लाएंगे, वो लाएंगे, कान के पर्दे फाड़ देती है, बहुत बोलती है। अच्छा, इसके बारे में? इसके बारे में तो कुछ है ही नहीं है, पता नहीं कुछ ये करता। सीधा बोला सा अभी तो, है ना, ये तो कुछ करता ही नहीं। सीधा सा नहीं है ये, सीधा नहीं है, बहुत टेढ़ा है ये। हाँ। ये सीधी नहीं तो वो पूरा ही टेढ़ा हो जाता है। सबसे अच्छी है मुझे मेरी मम्मा लगती है कानू भैया। जब मम्मा मारती है तो क्या कहता है, मुझे मम्मा अच्छी नहीं लगती कानू भैया। बताओ और कुछ कहना है? और कुछ, अब हम तब घर पे जाएंगे ना, तो ये और वो ग्लास लेगा। ऐसा की बात, ऐसा की बात, ऐसा की बात, ऐसे ऐसे बोलेंगे। हाँ। अभी मिट भी नहीं सकता। मुझे गाड़ी भी चलाने देता है। कौन? इसको गाड़ी चलाने। कौन सी गाड़ी चलाता है? इको। इको कौन सी होती है? अरे यार, जिसमें एक दो तीन बड़ी गाड़ी। हाँ, ये चला लेता है, बैठ जाता है साथ में बैठ के आगे ना, यूं यूं घुमा लेता होगा उसको। और पापा के साथ भी। अच्छा, मोटरसाइकिल भी चलाते हैं भैया के साथ, मेरे पापा साथ। मोटरसाइकिल चला लेते हो? फिर मोटरसाइकिल पे आपके पैर तो नीचे जमीन पे कैसे आते होंगे? अरे नहीं, वो तो बस हैंडल ही संभालता है और पीपी का काम करता है बस। हां, गाड़ी गियर नहीं लगाते हो? हां लगाता हूं। गियर कैसे लगाओगे? आपके पैर तो गियर तक आएंगे नहीं। नहीं, मम्मी पापा लगाते हैं। मतलब अब आपके यूं हो गया भाई, गियर लगाने के लिए बड़े पापा और चलाने के लिए आप, फिर पीछे बैठने के लिए भैया, ऐसे भैया के पीछे बैठने के लिए मैं और मम्मी को, मुझे तो कोई भी, मुझे सबके फेंकते सबको, सब सब सारे सबसे पे गुस्सा निकालते। सबसे पहले वीडियो में डैडी के पास ही पूछती थी। चलो हो गया, और कुछ बोलना है? इसको बोलना, मेरा तो खत्म। मेरा भी खत्म। तेरे को बोलना है कुछ? मेरा भी खत्म। नहीं तो देखा कैसे, मतलब छोटे छोटे बच्चे इनोसेंट, कितने मासूमियत के साथ जो है वो है, किसी को सही लगे, किसी को गलत लगे, किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही। और मुझे पता है ये ज्यादा हिट जो है ना बेटा आपका ही होगा, इसमें जो सीन है ना वो ज्यादा आपके ही देखेंगे, देखना सब। छोटे छोटे बच्चे जो है ना इनोसेंटली कैसे बातें करते हैं, कैसे जो है ना बताते हैं,
और कुछ कहना नहीं भाई? इसकी सारे बॉल अभी ना कुछ बोल रहा क्या? और उनके सारे ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं दोनों ना, दीदी और भैया ना बहुत ग्रेट है। ऐसे तो टीवी देखना, इसे क्या इसे ना कुछ नहीं होता बेटा, टीवी देखना, ये तो छुट्टी में तो मैं ही देखता हूँ, सब देखते हैं टीवी, देखना चाहिए है क्या? 5 घंटे मैं तो कभी कभी 3 दिन तक लगातार देखता हूँ, सिर्फ सोता हूँ फिर उसके बाद उठ के फिर चालू कर लेता हूँ बस, और देखता रहो 5 नहीं 12 13 13 घंटे कंटिन्यूअसली देख लेता हूँ, तो कभी कभी छुट्टी में होता है तो क्या कभी मैं दादा से टीवी जाके देख लेते हैं ना कि 5 घंटे 3 घंटे देख रही है, दादा जी से कहते इतनी देर कौन देखता है, आ करा बोलो। और सुनने में तो सबसे लेट ये उड़ती है, कहती नहीं उड़ती भैया उड़ता जे दोनों, और मैं कहती हॉस्टल में मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ता है इसलिए यहाँ मैं उठूंगी नहीं अभी ना। तो दोस्तों ये थे पूरे परिवार के, और बड़ा मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये छोटे छोटे जो इनोसेंट बच्चे हैं और बेटा और बेटी है और पूरा परिवार है, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीवन में आगे बढ़ते रहे, अच्छा करते रहे, और इतना ज़्यादा जो लगाव है, इतना ज़्यादा जो स्नेह है, इनके लिए भी पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है शायद काफ़ी बातें हो गई, और बहुत ही अच्छा लगा बेटा, वाकई सारे सबका बहुत बहुत धन्यवाद, वाकई बहुत ग्रेट है, और सारा परिवार एक साथ, इतने लोग 15 लोग साथ रहते हैं और इतना अच्छे से रहते हैं, बड़े प्रेम प्यार से रहते हैं, भगवान जो है ना सभी को कामयाबी दे, सभी को जो है ना बहुत उन्नति देवे, समृद्धि देवे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते करो बेटा सबसे, है ना, थैंक यू।